दिल्ली से सटे फरीदाबाद में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए चार बच्चों को अलग अलग इलाके से बाल मजदूरी करने से मुक्त कराया है। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को 1098 पर सूचना मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने के बाद आरोपी मालिकों के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कुमार जुड़ गए हैं बल्लभगढ़ से। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है। तो जैसा कि मनोज, जो ये खबर मिल रही है जहां बाल मजदूरी कराने वाले आरोपियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? मैम बता दें कि पुलिस की तरफ से सूचना मिल रही थी, 1098 पर कॉल जा रही थी, बाल मजदूरी के जो मामले हैं फरीदाबाद में आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला एक फरीदाबाद में मुजेसर इलाके में आया, जहां पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बाल अतिक्रम करते हुए चार बच्चों को अलग अलग स्थानों से रेस्क्यू किया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चार लोगों को पुलिस ने, जो बच्चे भी फिलहाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि जो बाल बच्चे हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके से उनसे मजदूरी कराई जाती है, तो आगे पुलिस का क्या कदम होगा और जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? अगर बता दें, पुलिस की तरफ से और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम की तरफ से समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है, नुक्कड़ सभा उनकी तरफ से की जाती है कि बाल मजदूरी ना कराएं, और स्टेशनों पर भी जागरूक किया जाता है लोगों को कि बाल मजदूरी ना कराएं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं बाल मजदूरी के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, और ये छोटे बच्चे हैं जो इस प्रकार सब स्टेशनों पर, दुकानों पर जो बाल मजदूरी करते हुए फरीदाबाद में नजर आते हैं। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से फिलहाल कहीं ना कहीं पुलिस की भी पहल है और चाइल्ड हेल्पलाइन की भी पहल है कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे मजदूरी ना कराई जाए, लेकिन क्या लगता है कि जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, क्या आने वाले वक्त में इस तरीके की घटनाएं कम हो जाएंगी? पुलिस की अगर बात की जाए तो जागरूक की तरफ से स्टेट क्राइम ब्रांच और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम कार्रवाई कर रही है। अगर जिस दुकान पर बच्चे की सूचना मिलती है वहाँ पहुंचकर बच्चों को रेस्क्यू करके परिजनों के हवाले की जाती है, दुकान संचालक जो बच्चों को लगा कर रखते हैं उनके खिलाफ जेजे एक्ट की तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसके बाद उस पर जुर्माना डाला जाता है। तो लग रहा है कि फरीदाबाद में कहीं ना कहीं अंकुश लग पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि मनोज हमारे जो संवाददाता थे उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी पहल है और चाइल्ड हेल्पलाइन की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं इसको रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो बाल मतलब छोटे बच्चे हैं उनसे मजदूरी ना किया जाए, जिसको लेकर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन अधिकारी ने बताया कि वह समय समय पर अभियान चलाकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर लोगों को इसके बारे में जागरूक करते हैं कि नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी कराना कानूनी अपराध है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ऐसा करने से परहेज नहीं करते हैं और छोटे बच्चों से बाल मजदूरी करते हैं। 1098 पर काफ़ी दिन से कॉल आ रही थी कि अलग अलग जगह पर बच्चे काम कर रहे हैं, जैसे आज मुझे थाने में कॉल आई थी, इस कॉल पर हमने चार बच्चे अलग अलग जगह से काम करते हुए रेस्क्यू किए गए, जिनमें दो बच्चे वर्कशॉप में कर रहे थे, दो बच्चे सर्विस सेंटर से रेस्क्यू किए गए। समय समय पर हम अपनी टीम से आउटरीच वगैरह कराते हैं, सभी रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंडों पर और सभी मार्केटों में, सभी थानों में हमने बोर्ड लगवा रखे हैं कि बच्चों से बाल मजदूरी कराना एक कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो बाज नहीं आते हैं, फिर भी बच्चों को अपने पास बाल मजदूरी कराते हैं, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। चार बच्चे बाल श्रम करते हुए रेस्क्यू किए गए, जिनमें जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग सभी मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद बच्चों के बयान के आधार पर आरोपी मालिकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से वी न्यूज के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।